हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन पेपर की प्रैक्टिस किए जाए, कि एग्ज़ामिनेशन पेपर का प्रैक्टिस किस तरह से करें कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो देखिए, एग्ज़ामिनेशन पेपर का प्रैक्टिस के लिए आपको तीन पॉइंट को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन पेपर का प्रैक्टिस करें तो आप हमेशा कोशिश करें क्या कि साफ साफ लिखें। साफ साफ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना साफ साफ लिखिएगा उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर। तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आप सोचिए कि हम जाके साफ साफ लिख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 3-4-5-6 कम से कम सैम्पल पेपर इस तरह से तैयार करना पड़ेगा, इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिसमें आप साफ साफ लिखें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप बड़ा बड़ा लिखें और हर क्वेश्चन के बीच एक स्पेसिंग, हर क्वेश्चन को आंसर को आप कोशिश कीजिए कि जो आप लिखते हैं, जो लेटर आप लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं, जो सेंटेंस लिखते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखें और हर क्वेश्चन के बाद आप एक स्पेसिंग देते जाइए। स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग से क्या होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, बहुत कोई करता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इसके बाद फिर वो खत्म हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर बहुत जब तेज़ी से कॉपी चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन ओवरलुक हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ओवरलुक हो जाएगा तो उसमें मार्क्स कटने का चांसेस रहता है, वो मार्क्स आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिंग करते हैं तो स्पेसिंग करने से क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ओवरलुक नहीं होगा, आपको हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन का स्पेसिंग जरूर करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सैम्पल पेपर तैयार करें। सैम्पल पेपर तो आपको तैयार करना ही चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं क्या कि एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। अभी आपके पास 29 क्वेश्चंस आता है, तो नतीजा क्या होता है कि अभी जो पेपर आपका हो गया वो लेंदी पेपर हो गया। तो लेंदी पेपर होने की वजह से क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते समय आप एक बात को दिमाग में हमेशा रखें क्या कि एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, लेकिन आप 3 घंटे सोच के आप तैयार मत कीजिए। आप जो भी प्रैक्टिस कीजिए आप 2 घंटा 45 मिनट सोच के प्रैक्टिस कीजिए। तो 2 घंटा 45 मिनट सोच के प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे क्या होगा ना कि आपका 15 मिनट हमेशा सेफ रहेगा, जो कि आपको काम दे जाएगा वहाँ पे। तो ये 3 बातों को आप दिमाग में रखिए, उसके बेसिस पे आप पेपर को तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ये बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन के टाइम। थैंक्स। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी भी तरह का और कोई क्वेरी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा अगर लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।